सर मैं खुद चाहता हूँ, आजकल तो कोई बिजनेस हो नहीं रहा है बरोबर। कलंक का कलंक अभी मैं पोंछ डालना चाहता हूँ। सलमान तुम आओ और कलंक पोंछ डालो। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है हमारे साथ गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के कर्ता धर्ता श्री मनोज देसाई जी, जिन्होंने अभी अभी देखा है साल की मच अवेटेड ट्रेलर जिसका नाम है भारत। क्या कहेंगे सर, सलमान खान सारर आपने देखा, ईद रिलीज है ये फिल्म, कैसी लगी आपको ये ट्रेलर? सोच रहा था ईद को क्या होगा, खाली सोच रहा था, और जब ईद पे भारत सलमान ने दे दिया, वो भी भारत बन के दे दिया, और क्या चाहिए मनोज देसाई को। एक्सपेक्टिंग ए लॉट। मैंने ट्रेलर देखी है, काफ़ी थ्रिलिंग है, पार्टीशन भी है, बहुत कुछ है अंदर, तो बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हूँ। एक तो लेंथ ज़्यादा ना हो, जिस तरह कलंक ने कलंक लगा दिया लेंथ ज़्यादा करके, कि आज बहुत बुरी हालत है कलेक्शन वाइज, भगवान करे ऐसा ना हो। पहले से ही वो सावधान रहे, और ये चैप्टर पहले भी आ चुका है दो तीन फिल्म में, तो कुछ हट के बने वो मैं भारत से उम्मीद रखता हूँ। सलमान खान की इस फिल्म में 6 अलग अलग रूप है, मतलब जैसे जैसे उसकी उनकी उम्र का अलग अलग होता है, फेजेस आते हैं, रूप है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और जो हीरोइंस है फिल्म के अंदर, आपको क्या लगता है कितना अट्रैक्ट करेगी लोगों की फिल्म? नहीं, मैं बहुत कुछ उम्मीद रखता हूँ दो दो हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ, तो उसकी जोड़ी हकीकत में सलामत रहे। देखो फेमस ये जोड़ी कैटरीना के साथ है, बाकी की दो इसमें कितनी जमती है वो सिचुएशन बताएगा कि किस सिचुएशन में किस तरह से सलमान इनके साथ पेश आ रहे हैं। और हकीकत में बोल रहा हूँ 71 ईयर्स में क्या क्या होगा मसाला, और सलमान ने कैसे फेस किया होगा। सलमान को बुढ़ा देखना एक्चुअली मेरा दिल गवानी कर रहा है, क्योंकि उसको हर वक्त जवानी देखा है जी, वो स्पिरिचुअल में देखा है, लेकिन साथ में क्यूरियोसिटी हो रही है, एक उम्मीद जाग रही है कि देखो क्या लगेगा ये बुढ़ापे में, अपने करियर में पहली बार वो बुढ़े में, वही बोल रहा हूँ, अपने करियर में क्या करेगा ये, कैसे एक्टिंग कर पाएगा। तेरे नाम में के अंदर भी उसने एक पागल इंसान की बाखूबी निभाई थी, तो इसमें भी बाखूबी निभाएगा और मजा आएगी। बुढ़ापा, हाँ, बिल्कुल बुढ़ापे में भी स्वैग है। मेरे को एक डर लग रहा है कि बुढ़ापे में भी कोई लड़की उसको ऐसा ना बोले कि मुझे ये साल तक भी इंतजार करने को तैयार हूँ, मैं ये साल बुढ़ा हो जाए फिर मैं शादी करूंगी। स्वैग, आपने सुना होगा ये शब्द, सुना होगा सर, स्वैग, स्वैग, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हाँ बिल्कुल, तो ये स्वैग से एकदम स्टाइल दिखा रहे सर। हाँ सर, इवन बुढ़ापे में उसकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है कि स्वैग से करेगा क्या, बुढ़ापे में करेगा सबका स्वागत, ऐसा होगा। अच्छा, हसीनाओं का स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल, और सब हसीना बुढ़े तो बुढ़े पहुँचेगा, सब हसीना पहुँचेगी उसके पास। सिर्फ हसीना ही नहीं, बच्चे बूढ़े सब लोग पहुँचेंगे, इंक्लूडिंग मी, अवेटेड इन माय टू थिएटर्स गेटी एंड गैलेक्सी। अब पिछली कुछ फिल्में थी उतना बिजनेस नहीं कर पाई, तो इस फिल्म में पूरी भरपाई हो जाएगी सर? सर मैं खुद चाहता हूँ, आजकल तो कोई बिजनेस हो नहीं रहा है बरोबर। कलंक का कलंक अभी मैं पोंछ डालना चाहता हूँ, सलमान तुम आओ और कलंक पोंछ डालो। सर फिल्में जो है फोन में देख रहे हैं लोग, कलंक को भी देख रहे हैं लोग, क्या करें, कल फ्री का माल क्यों नहीं देखेंगे, फ्री की एडवर्टाइजमेंट क्यों लोग सब लोग देखते हैं, तो फ्री का माल मिल रहा है 3 घंटे के ऊपर की पिक्चर। लेकिन इसलिए ही सलमान से गुजारिश है मेरी, भैया 3-3 घंटे वाला चक्कर नहीं चलाना। आज लोग 3-3 घंटे तक वेट करना पसंद नहीं करते जी, भैया जो भी समेटना चाहो 71 ईयर्स की जर्नी जी, वो जरूर समेट लेना 2.5 घंटे तक। सिनेमा की जर्नी के बारे में कुछ कहेंगे सर आपने, मतलब राज कपूर से लेकर आज के दौर के टाइगर श्रॉफ ले लीजिए या फिर कोई भी बड़े हीरो ले लीजिए, उनको आपने देखा है, सबको उनका करियर आपने देखा है बहुत अच्छी तरह से, सिनेमा की जर्नी को कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहेंगे? शॉर्ट में ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो जर्नी पहले थी, जो म्यूजिक पहले था, इंक्लूडिंग सलमान जी, मैंने प्यार किया फर्स्ट पिक्चर उसकी जी, क्या म्यूजिक था वो, म्यूजिक वो डायलॉग, वो पिक्चराइजेशन अब मिल नहीं रहा है, और अब नहीं मिल रहा है इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है मुझे जी। भगवान करे भारत में उस सब मिक्सचर हो और मजा आ जाए। वो भाव मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा दिल में नहीं, भाव को मैं सलमान को इस तरह समझाना चाहूँगा, वो जज्बात जो सलमान पहले आप देते थे, आपकी देखो सब पिक्चर देख लो, दबंग 1-2-3 से लेके
मैंने प्यार किया से लेके वो सब में जो आपने जज्बात दिए, ट्रेजेडी दी, हैप्पीनेस दी, एक्शन दी, वो सब इसमें इस तरह देना कि लगे 71 साल पहले भी जी ऐसा म्यूजिक और एक्शन था। देखो ईद पे भारत का आना ही सोने पे सुहागा हो गया है। अल्लाह ताला और भगवान से एक ही प्रार्थना है। आजकल स्मार्टफोन बहुत मार रहे हैं, कहीं ये पिक्चर इतनी जल्दी स्मार्टफोन पे ना आ जाए। सलमान आप इख्तियार रखना, पिक्चर जो बड़े स्क्रीन में देखने की मज़ा आती है वो बड़े स्क्रीन में होती है, उसको छोटे स्क्रीन या टीवी पे देखने की मज़ा नहीं है। तो आप उस पर बरोबर ध्यान दीजिएगा। और आपसे मेरी एक नम्र विनंती है, आप तो बरसों से मेरे साथ हैं, यू बी स्ट्रिक विद द रिजल्ट, यू बी स्ट्रिक विद द रिलीज एंड एन्जॉय द फिल्म। लेट पीपल शुड एन्जॉय दिस फिल्म ऑन अ बिग स्क्रीन। थैंक यू सलमान, थैंक यू, डू इट, टेक इट वेरी सीरियसली व्हाट आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने ट्रेलर को लेकर आपने रिएक्शन रखा, आपने उम्मीदें अपनी जताई। और आखिर में मैं सलमान खान के फैन से भी कहूँगा कि जो पायरेसी है वो बहुत नुकसान पहुँचा रही है जितने भी थिएटर्स हैं, हम जहाँ पे थिएटर्स में देखने जाते हैं। तो सलमान खान के सभी फैन से मेरा निवेदन है, इनफैक्ट आपका भी निवेदन है, सभी का निवेदन है कि अगर आप किसी को पायरेटेड वर्जन में अगर आप फिल्म को देखते हुए पकड़ते हैं तो उनको समझाइए कि सजा दीजिए। या फिर लोकल ट्रेन में लोग काफ़ी लोग ट्रैवलिंग करते हैं, वो पायरेटेड वर्जन का वो देखते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप डाउनलोड ना करके फिल्म को ना देखें, थिएटर में जाकर देखें। और दूसरी बात, अगर कोई आपके आइडल आपके सलमान खान की फिल्म को कोई कहीं भी देख रहा है तो उसे पकड़े और उन्हें समझाएं कि ऐसा ना करें, ठीक है। और अगर ना कुछ होता, ना मान रहे, तो उनको टैग कीजिए #filmyfeversquad फिल्मी फीवर स्क्वाड, ठीक है। धीरे धीरे मैं इसको करने वाला हूँ। बिल्कुल सर। और एक रिक्वेस्ट सलू भाई, सलमान मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, बात को समझो, बी केयरफुल फ्रॉम राइट नाउ फॉर द भारत, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कलंक की क्या हालत हुई है, गली गली कस्बे कस्बे और हर स्मार्टफोन पे कलंक दिखाई जा रही है और कलंक का कलेक्शन डूब रहा है। तो आप अभी से चौकन्ने हो जाइए, आने वाली सभी फिल्मों से, सभी प्रोड्यूसरों से, डिस्ट्रीब्यूटरों से, एग्जीबिटरों से एक छोटी सी विनती है, टेक प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। थैंक यू।